तो हम चलते हैं, करते हैं अपना फाइटो हार्मोन्स पे। फाइटो हार्मोन्स हमने फाइटो हार्मोन्स कर लिए थे, ऑक्सिन, सिप्रेलिन। तो ऑक्सिन के बारे में देखते हैं हम, ऑक्सिन कौन कौन से फंक्शंस करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑक्सिन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो ऑक्सिन की नेचुरल फॉर्म है वो होती है इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, दिस इज द नेचुरल ऑक्सिन, ये नेचुरली फाउंड ऑक्सिन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो दैट आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सिन है वो IAA के रूप में पाया जाता है, मतलब नेचुरली फॉर्म है इसकी, क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, इसके फंक्शंस हमने पढ़े थे लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ये सेल की एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, इट प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ओके, क्या करता है हमारा ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल्स एनलार्ज होंगी तो ग्रोथ भी करेगा स्टेम, स्टेम भी ग्रोथ करेगा, फ्रूट भी ग्रो करेगा। तो यहाँ हमारा ऑक्सिन है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई ऑक्सिन इज नोन एज ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। ये हमारे ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। इसके अलावा इट हेल्प इन ट्रॉपिज्म, और ट्रॉपिज्म जानते हो ना, ट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट है हमारे प्लांट्स के किसी भी हिस्से की टुवर्ड्स अ सनलाइट, टुवर्ड्स अ टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो जो ऑक्सिन जिस ट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, ट्रॉपिक जो हमने पढ़े थे, ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो कई टाइप की थी, कौन कौन सी, फोटो पीरियडिज्म, जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। हमारा ऑक्सिन कौन सी ट्रॉपिक लेवल पे ट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, इट हेल्प इन फोटोट्रॉपिज्म। ये हमने देखा भी था फोटोट्रॉपिज्म की किस तरह से प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड्स द सनलाइट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन लव्स शेडी एरिया, दैट्स वाई इट मूव अवे फ्रॉम सनलाइट, या सनलाइट से दूर चला जाता है और वो जगह ऑक्सिन के बिना हो जाती है, खाली हो जाती है, तो वो बेंड कर जाता है जिसकी डायरेक्शन सूरज की तरफ हो जाती है। इट इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन हो रही है हमारे फ्रूट की, सीड की, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द पार्थेनोकार्पी। एंड दीज इंड्यूस्ड एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ये इंड्यूस्ड करता है। तो ये हमारे ऑक्सिन के फंक्शंस थे, यू हैव टू बी रिमेंबर दीज फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेचुरल फॉर्म, तो इसकी नेचुरल फॉर्म है वो क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये नेचुरल ऑक्सिन है, ये इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन पे, और हमने लास्ट वीडियो में ये देखा है कि जो हमारा सबसे कॉमन जिब्रेलिक एसिड है वो जिब्रेलिक एसिड 3 है। ये कई तरह के होते हैं, जिब्रेलिक 4 है, जिब्रेलिक एसिड 2 है, जिब्रेलिक एसिड 1, 12, लेकिन सबसे कॉमन है, सबसे फंक्शनल है वो हमारी एक्टिवेट, आप कह सकते हो वो हमारी जिब्रेलिक एसिड 3 है। ये क्या करती है, हमने राइस प्लांट्स में, और ये कहाँ से, ये कौन सी फंगस है जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, ई क्यूरस हवा ने इसको आइसोलेट किया था। यहाँ पे ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प इन ग्रोथ, इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ कौन से रीजन की, इंटरनोडल रीजन की। इंटरनोडल क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में ना कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं, प्लांट्स में, प्लांट्स के स्टेम में ये नोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, ये नोट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्टेम होता है, आप देखना यहाँ पे लीफ अराइज हो जाता है एंड नोड पे, ये जो रीजन होता है ना, ये हम कहते हैं नोड रीजन, दीज आर नोड। ओके, नोड, और एक नोड, टू कंसेक्यूटिव नोड के बीच की जो पार्ट है, बीच के का जो पार्ट है वो पार्ट, दिस, ये पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज
इंटरनोड, दो नोड के बीच की जो जगह है दैट इज नोन एज इंटरनोडल। तो हमारी जो जिब्रेलिक एसिड है वो यहाँ इस इंटरनोड रीजन की ग्रोथ में हेल्प करती है। सो इट इंड्यूसेस इंटरनल इंटरनोडल ग्रोथ। सेकंड है, इट दीज ओवरकम द नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स। ये नेचुरल डोरमेंसी लेके आती है बर्ड्स की, ट्यूबर की एक्सेट्रा, ये तोड़ती है, सॉरी ओवरकम कर देती है एंड हेल्प करती है उनको ग्रो कर। इट ब्रेक डाउन डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है एंड अलाउ देम टू ग्रो। ओके, थर्ड पॉइंट, आई जस्ट होप यू गॉट दिस पॉइंट कि डोरमेंसी है ना, डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट होती है। डोरमेंसी इज द इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्टेज किसकी? किसी भी प्लांट्स के पार्ट की। तो जहां जिब्रेलिक एसिड मिलती है वो इस हिस्से को जब जिब्रेलिक एसिड दिया जाता है या नेचुरली वो लेते हैं तो ये इनएक्टिव स्टेट जो डोरमेंट है वो डोरमेंट स्टेज से ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। और जब एक्टिव हो जाएगी तो क्या करेगी? ये ग्रोथ करेगी, इट विल ग्रो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, दीज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। ये बिल्कुल पार्थेनोकार्पी, यहाँ पे भी पार्थेनोकार्पी, यहाँ पे भी, दोनों फंक्शंस करते हैं। दीज प्रोमोट ग्रोथ इन स्टैम, आ चुका है स्टैम, इंटरनोडल रीजन स्टैम का ही है। स्टैम के ग्रोथ में हेल्प करती है, सिर्फ स्टैम के ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करती, लीव्स भी ग्रो करता है। एरियल पार्ट, जितना भी हमारा एरियल पार्ट है वो सारा हमारे जिब्रेलिक एसिड की हेल्प से ग्रो करता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही हमारे साइटोकाइनिन और इथाइलिन के फंक्शंस देख लेते हैं। सो देखिए, हमारा थर्ड फाइटो हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन। नाउ साइटोकाइनिन की दो फॉर्म है, जो फर्स्ट इसकी नेचुरल साइटोकाइनिन है वो है जिएटिन। तो जिएटिन इज द फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनिन का अगर कोई आपसे पूछे कि नेम द सिंथेटिक साइटोकाइनिन तो आप क्या बताएंगे? दैट इज काइनेटिन। तो यहाँ पे दो हमारी साइटोकाइनिन की, नेचुरल साइटोकाइनिन और सिंथेटिक फॉर्म, दोनों फॉर्म हैं। जिएटिन है वो नेचुरल साइटोकाइनिन है और काइनेटिन है दैट इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये कौन कौन से फंक्शंस करती है? देखिए, ये नाम से पता चल रहा है साइटोकाइनिन मींस ये सेल के, काइनिन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। साइटो मींस सेल, ये सेल के डिवीजन में हेल्प करती हैं। सो इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स, क्योंकि ये सेल डिवाइड करने में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन। इसके अलावा ये मोर्फोजेनेसिस, जैसे हमारा ऑक्सिन मोर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई भी कल्चर मीडियम के थ्रू कोई भी माइक्रो प्रोपेगेशन करवाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रॉपर रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मोर्फोजेनेसिस अलोंग विद ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ ये मोर्फोजेनेसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा जैसे हमारा जिब्रेलिन डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, वैसे ही हमारा साइटोकाइनिन है वो भी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और डोरमेंसी किसकी? सीड की, बर्ड्स की। जब सीड इनएक्टिव फॉर्म उसकी जब टूट जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, तो वो इनएक्टिव स्टेट ख़त्म होके एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा हार्मोन है जो एजिंग को डिले करता है। इट डिले एजिंग इन लीव्स। एजिंग का मतलब क्या हुआ? एजिंग का मतलब हुआ ओल्ड एज की तरफ। ओल्ड एज मतलब जब लीफ अपना टाइम पूरा करता है तो उसके बहुत सारी सेल्स डिग्रेड हो जाती हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में साइटोकाइनिन मिलता रहे तो वो इस स्टेज को डिले कर देती है। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। ये
एजिंग ऑफ लीव्स डिले कर देती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लाइफ को बढ़ा देती है। हमारी जितने भी वेजिटेबल्स हैं और हमारे प्लांट्स हैं, इफ़ दे गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ साइटोकिनिन देन दे कैन इंक्रीज देयर लाइफ। नेक्स्ट है इथाइलिन हार्मोन, कर चुके हैं हम इथाइलिन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बताया गया था कि इथाइलिन है वो एक गैसियस हार्मोन है एंड साइटोकिनिन जिबरेलिन एंड एब्सिस एंड आर ऑक्सिन दिस ऑल प्रमोट ग्रोथ, दैट्स व्हाई दिस आर नोन एज ग्रोथ प्रोमोटर। ये भी हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है क्योंकि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करेगा ये। तो इट प्रोमोट्स, ये एक टाइप का गैसियस हार्मोन है, इट प्रोमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में ये राइपनिंग का काम करता है, उनको प्रोमोट करने में, जिसकी वजह से जल्दी फ्रूट राइप कर जाते हैं। नेक्स्ट डोरमेंसी ब्रेक डाउन करता है भाई, इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन बर्ड सीड्स स्टोरेज ऑर्गन्स। ओके नेक्स्ट, अच्छा एब्सेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ही ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लीव्स। एब्सेशन का मतलब क्या होता है? एब्सेशन का मतलब होता है दिस इज अ प्लांट, ओके एंड दिस इज नोडल रीजन, हियर दिस इज द प्लांट स्टेम, हियर दिस इज द लीफ। ओके ये लीफ जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद इसने अपनी मैच्योरिटी अटेन की, मैच्योरिटी अटेन करने के बाद समटाइम्स या आफ्टर सम टाइम इट फॉल डाउन। ओके व्हाई इट फॉल डाउन, क्योंकि यहाँ एक लेयर डेवलप हो जाती है, जब इसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, जब इसकी एजिंग स्टेज आ जाती है, तो यहाँ एक लेयर स्टार्ट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज एब्सिशन लेयर, एब्सिशन लेयर, एब्सिशन लेयर। एंड दिस एब्सिशन लेयर हेल्प इन एब्सिशन ऑफ लीफ, एब्सिशन लेयर है ये लेयर लीफ को गिरने में हेल्प करती है। हमारा आप देखते हो कि जब भी फ्रूट पक जाता है तो वो भी पकने के बाद गिर जाता है, क्यों? अपने आप गिर जाता है, क्यों? क्योंकि इथाइलिन वहाँ पे एब्सिशन लेयर प्रमोट कर देता है, एब्सिसिक एसिड भी ऐसे ही करता है, तो ये एब्सिशन में हेल्प करता है। तो काफ़ी सारे पार्ट्स हमारे लीफ हो गए, फ्रूट हो गए, वो इथाइलिन की वजह से एब्सिसिक एब्सिशन, उसका एब्सिशन लेयर जर्मिनेट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट, अगर वो नहीं गिरते हैं तो पहले उनमें येलोइंग होता है, इट प्रोमोट्स येलोइंग, क्योंकि येलो कैसे हो गया, क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है, एंड सेनेसेंस ऑफ द लीव्स, और लीव धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। पहले लीफ येलो होगा, कुछ लीव ऐसे होते हैं, कुछ लीव कि वो येलो होने के बाद गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म होके वहाँ से गिरते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है इथाइलिन की वजह से। तो ये हमारे फोर टाइप्स के हार्मोन्स हमने डिस्कस किए हैं, उनके फंक्शंस देखे हैं। अब हम लास्ट हमारा जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, जो ग्रोथ इनहिबिट करने में हेल्प करता है, रोक देता है प्लांट की ग्रोथ को, ख़त्म कर देता है या रोक देता है, वहीं के वहीं उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड इज नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बिकॉज इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और यू कैन से इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो लेट्स डिस्कस एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। It is a type of growth inhibitor hormone. It is a type of growth inhibitor. Growth inhibitor hormone. Why this is known as growth inhibitor? Because it stops the growth. Because
it stop the growth of various plant parts. आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, वहाँ पोर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, दिस इज ऑल्सो गार्ड सेल्स, टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एंड दिस इज नोन एज, दिस पोर इज नोन एज, जो पोर दिखाई दे रहा है खाली जगह है, जो दो गार्ड सेल्स बीन जैसी शेप की जो सेल्स हैं आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो गार्ड सेल्स कहलाती हैं. और वो पोर जो इनके थ्रू बनता है उस पोर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट इज द स्टोमेटा. ओके, तो एब्सेसिक एसिड हमारे स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, help in closing of stomata. So this is the second point, it help, yeah, it promotes closing of stomata, it promote the closing of stomata ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है. इट हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट, एज अ रिजल्ट इट प्रिवेंट फ्रॉम ट्रांसपीरेशन, इट प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम ट्रांसपीरेशन. From transpiration and wilting. Wilting और transpiration इसकी वजह से बच जाती है क्योंकि ये stomata को close कर देता है. इसके अलावा it help या it prevents the it prevent the plant many stress it prevent the plant from many from desiccation or stressful condition. स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये हमारे प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाता है. इसीलिए कैसे बचाएगा, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, इसी वजह से ट्रांसपिरेशन भी बचता है, ट्रांसपिरेशन से भी प्लांट बचता है, विल्टिंग भी नहीं होने देता. तो काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन से, स्ट्रेसफुल कंडीशन से हमारा प्लांट बच जाता है. सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एब्सेसिक एसिड. इसीलिए ये क्या कहलाता है, it is also known as stress hormone. Next, क्योंकि ये stress condition में बहुत अच्छे से काम करता है, stress hormone for plants. Next, it promote dormancy. अभी तक हमने पढ़ा वो सारे क्या करते हैं, dormancy state को break down करते हैं. लेकिन abscisic acid क्या करता है, abscisic acid dormancy को promote करता है. It promote dormancy, it promote dormancy of buds, tuber, etc. of the plant's part. That's why, so that growth inhibit. So that
growth of the plant inhibit. Growth inhibit. ये हमारा abscisic acid था. इसके अलावा it help in abscission of various plants part. So this was about abscisic acid. Abscisic acid type of growth hormone, and क्योंकि ये growth को रोक देता है. क्यों रोक देता है? क्योंकि ये dormancy को बढ़ा देता है. Next, ये stomata को close करने में help करता है, जिसकी वजह से transpiration नहीं हो पाता, wilting stage नहीं आ पाती. ये plant को काफ़ी stressful condition से बचाता है, इसीलिए इसको stress hormone भी कहा जाता है. अब हम चलते हैं हमारे next topic पे, and that is about photoperiodism. फोटो पीरियड्स भी आप बोल सकते हैं. फोटो पीरियड्स आप जानते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उन वो डिपेंड करते हैं फ्लावरिंग के लिए, वो डिपेंड करते हैं लाइट पे और टेम्परेचर पे. सो लाइट और टेम्परेचर कितना किसको चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है, वो पीरियड उनके लिए फोटो पीरियड होता है. और फिनोमिना क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म. तो चलते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज द फोटो पीरियडिज्म. एवरी प्लांट्स रिक्वायर टू थिंग्स. फर्स्ट इज लाइट. कौन सी लाइट? सनलाइट. एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर. ये दो चीजें चाहिए होती है प्लांट्स को, और फिर उसके बाद प्लांट क्या करता है, प्लांट अपने फ्लावरिंग करता है. प्लांट्स की फ्लावरिंग शुरू हो जाती है. ओके, ये क्या कहलाता है? ये फिनोमेना हमारा कहलाता है फोटो पीरियडिज्म. द पीरियड ऑफ लाइट, द पीरियड ऑफ लाइट which is required by a plant for its flowering. That is known as photoperiodism. Flower, फूल खिलने के लिए हमारे प्लांट्स को प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की, टेम्परेचर की जरूरत होती है. उसके बाद फ्लावरिंग आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज अ फिनोमेना इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म. और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा, इट इज पॉसिबल ड्यू टू अ पिगमेंट, एंड द पिगमेंट इज नोन एज फाइटोक्रोम. दिस इज फोटो पीरियडिज्म. इज फोटो पीरियडिज्म इज डिपेंड ऑन या इज बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन अ पिगमेंट नोन एज फाइटोक्रोम पे डिपेंड करती है हमारा जो फ्लावर है वो. और प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और टेम्परेचर मिल जाए, फिर हमारा प्लांट अपनी फ्लावरिंग करता है. इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज द फोटोपीरियडिज्म. फोटोपीरियडिज्म है ये, इसके बेस पे हमारे प्लांट्स को
थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस. फर्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट, सेकंड इज लॉन्ग डे प्लांट एंड थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट. सो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड इज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट. फर्स्ट इज शॉर्ट डे. Short day plants. Second is long day plants. Long day plants. And third is day neutral plants. नाम से पता चल रहा है वो प्लांट्स जिनकी फ्लावरिंग के लिए, जिनकी फ्लावरिंग के लिए कम दिन की जरूरत है. कम दिन मतलब कम लाइट की जरूरत है. डे मीन्स लाइट, सनलाइट. सो लेस सनलाइट, इट रिक्वायर लेस सनलाइट फॉर इट्स ए फ्लावरिंग. जिनको कम सनलाइट की जरूरत होती है और वो अपनी फ्लावरिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट आर द शॉर्ट डे प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल राइस. राइस ओके. शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच रिक्वायर्ड लेस पीरियड ऑफ सनलाइट या लेस पीरियड ऑफ लाइट एंड फॉर देयर फ्लावरिंग we call that as a short day plant. Example is rice. Next, long day plant, as name it is defining itself, that the plant who require long day matlab jinko zyada din ki zarurat ho flowering ke liye, zyada sunlight jinko chahiye, more sunlight ya more डे पीरियड या यू कैन से मोर लाइट इट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लावरिंग देन वी से दिस इज द लॉन्ग डे प्लांट. एंड एग्जाम्पल कौन होगा आपका? वीट. वीट इज एग्जाम्पल क्योंकि वीट में जो हमारे जो फ्लावरिंग होती है वीट की वो कब होती है? वो लॉन्ग डे, जब हमारे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, सनलाइट की अमाउंट, सनलाइट का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, उस दौरान हमारी लॉन्ग डे, उस दौरान हमारे वीट में फ्लावरिंग होती है. डे न्यूट्रल मतलब इट रिक्वायर्ड इक्वल डे मींस इक्वल ही इनको लाइट चाहिए एंड इक्वल नाइट. फॉर एग्जांपल टोमेटो. ओके. सो प्लांट्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल. शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए कम सनलाइट वाला टाइम चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट. नेक्स्ट, फ्लावरिंग के लिए जिनको ज़्यादा सनलाइट वाला टाइम चाहिए, पीरियड चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट इज लॉन्ग डे प्लांट. एंड डे न्यूट्रल जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल अमाउंट में उनको लाइट चाहिए, दैट इज नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका खत्म होता है. इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स.